गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनी नंदा, योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर नंबर 10 एंड इंटरेस्टिंग डायलॉग रीड करेंगे। पेज नंबर है 65। एंड इंटरेस्टिंग डायलॉग का क्या मतलब है कि एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत या संवाद। डायलॉग का मतलब होता है संवाद, या हम इसे बातचीत भी कह सकते हैं। इस लेसन में हमारे पास क्या है कि दो गर्ल्स हैं, नव्या और अनु, जो दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं। जिस बारे में बात कर रही हैं उसके ऊपर ये चैप्टर है। जैसे कि शुरू करते हैं, नव्या कह रही है अनु से, अनु कैन यू टेल मी व्हाई डू वी वियर डार्क वुलन क्लोथ इन विंटर एंड लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ इन समर। अनु, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम डार्क कलर, गहरे रंग, ठीक है, के गर्म कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, और लाइट कलर के, हल्के रंग के कॉटन के कपड़े गर्मियों में क्यों पहनते हैं? तो उसने क्या दो क्वेश्चन किए हैं अनु से, नव्या ने, कि क्या तुम अनु मुझे बता सकती हो कि हम डार्क कलर के गर्म कपड़े जो होते हैं वो डार्क कलर के सर्दियों में क्यों पहनते हैं, और हल्के रंग के कॉटन के कपड़े गर्मियों में क्यों पहनते हैं। ठीक है, समझ आई आपको कि दो क्वेश्चन क्या हैं कि सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं और गर्मियों में लाइट कलर के कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। अनु ने क्या रिप्लाई किया? अनु ने जवाब दिया, डू यू नॉट रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद नहीं है व्हाट आवर साइंस टीचर डिमोन्स्ट्रेटेड अस। उसने कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारी साइंस की टीचर ने, हमारी विज्ञान की अध्यापिका ने हमें क्या दिखाया था, क्या बताया था लास्ट मंथ, पिछले महीने, इन द लेबोरेटरीज। लेबोरेटरी का मतलब क्या होता है? प्रयोगशाला, लैब। ठीक है, साइंस के लिए जो लैब होता है जहाँ पे साइंस के सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं, आपको कुछ भी देखना है उसके लिए कोई भी एक्टिविटी कराते हैं तो उसको साइंस रूम बोलते हैं ना, तो उसे हम लेबोरेटरी भी बोलते हैं। तो प्रयोगशाला में पिछले महीने हमारी साइंस के टीचर ने हमें क्या बताया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? डेट एक्सपेरिमेंट आंसर्स बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस। उन्होंने जो हमें एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोग करके दिखाया था, वो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताता है। फिर नव्या ने क्या कहा? यस, हाँ, आई लाइक टू डू इट अगेन, मैं उसे दोबारा करना पसंद करूंगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत ही मज़ेदार है, दिलचस्प है। वट थिंग्स डू वी नीड फॉर इट, हमें इसे करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है? अनु ने जवाब दिया, वी नीड टू बॉटल्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज, के हमें दो बोतल चाहिए जो आकार में, शेप और साइज में सेम हों। एंड टू टेस्ट ट्यूब ऑफ द सेम थिकनेस एंड लेंथ, और दो टेस्ट ट्यूब चाहिए जो सेम मोटाई और लंबाई की हों। टेस्ट ट्यूब क्या होती है? कांच की पतली सी नलकी होती है जिसमें, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें हम साइंस लैब में उसका प्रयोग करते हैं कुछ भी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो उसे हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। तो दो टेस्ट ट्यूब चाहिए जो सेम, एक जैसी मोटी भी हों और लंबी भी हों। सम हॉट वाटर, कुछ गर्म पानी, अ थर्मोमीटर, एक थर्मामीटर, एंड सम वुलन क्लॉथ, और कुछ गर्म या ऊनी कपड़े। तो क्या बोला उसे, क्या चाहिए उन सब एक्सपेरिमेंट के लिए? दो बोतल चाहिए सेम साइज की, शेप की, दो टेस्ट ट्यूब चाहिए सेम, मोटी भी हों एक जैसी और लंबी भी हों, और कुछ गर्म पानी चाहिए और कुछ ऊनी कपड़े चाहिए। दे अरेंज्ड ऑल दीज थिंग्स एंड सेट डाउन इन द वरांडा। वरांडा क्या होता है? बरामदा, जिसे हम कहते हैं आंगन। ठीक है, उन दोनों ने क्या किया, इन सब चीज़ों को अरेंज किया। ठीक है, कि इकट्ठी की ये सारी चीज़ें, उन्हें क्या क्या चाहिए था, बोतल, टेस्ट ट्यूब, वुलन क्लॉथ और गर्म पानी, और फिर वो लोग अपने बरामदे में बैठ गए। नेक्स्ट अनु ने क्या कहा? नव्या, प्लीज़ फिल द बॉटल्स विद हॉट वाटर, कि जो दो बोतल ली हैं हमने सेम शेप और साइज़ की, उनको गर्म पानी से भर दो, एंड टेक द टेम्परेचर विद द थर्मामीटर, और थर्मामीटर से इनका टेम्परेचर ले लो। राइट डाउन द टेम्परेचर इन नोटबुक, उसने क्या कहा कि फिर इन टेम्परेचर को, गर्म पानी का जब टेम्परेचर लोगे उसे एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, टेम्परेचर इन्हें नोटबुक में नोट कर लो, लिख लो। नाउ रैप वन ऑफ द बॉटल्स इन वुलन क्लॉथ एंड पुट
बोथ दी बोतल इन ए डार्क कॉर्नर। उसने बोला कि अब उन दोनों बोतलों में से एक बोतल को वुलन क्लोथ से, ऊनी कपड़ा जो उन्होंने लिया था उस कपड़े से रैप कर दो, लपेट दो, और फिर दोनों बोतलों को डार्क कॉर्नर मतलब अंधेरे में रख दो। नाउ प्लीज ब्रिंग दी टेस्ट ट्यूब, और अब टेस्ट ट्यूब ले आओ। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना इसको ज़रूर। ओके, थैंक यू।